नमस्कार, सरकारी संगीत सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम टेंथ क्लास की कविता नंबर दो राम परशुराम और लक्ष्मण सोमवार तुलसीदास जी द्वारा रचित कर रहे थे, उसके दो पद्यांश हमने कल आपके सामने डिस्कस किए थे। दो पद्यांश आज फिर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, ज्ञान से इनको समझ। तीसरा पद्यांश है भी हसी लक्ष्मण बोले मृगवानी अहो मुनीषु महाभटमानी पुनी पुनी मोदी देखा उखारू सहज उड़ाऊ की पहाड़ू की हम उम्र बतिया कोऊ नाही जे दर्जनी देखी मनी जानी देखी उठारू सरासर माना मैं कुछ कहा सही रहा अभिमाना भगु सुख समझी जनेऊ बिलोकी मैं कुछ कहा हूँ सहोरी से रोकी सुर महिषुर हरिजन अनुगाई हमारे कुल इन्हें बने सुनाई बधे पापु अस्कृति हारे मरता हूँ पापरिय तुम्हारे कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ दरव हूँ धनुबान उठारा जो बिलोकी अनुचित कहे हूँ क्षमा हूँ महामुनि धीर सुनी सरोस प्रभु वंश मनी बोले गिरा गंभीर। जब कल वाले सेकंड पद्यांश में हमने परशुराम जी के बारे में जब ज्ञान कितने लक्ष्मण करता है तो उसके क्रोध को और अधिक बढ़ाता है, तो वो क्रोध में जब वो बार बार अपनी वीरता का बखान करते हैं, अपने हर्षे को अपने उलाड़े को दिखाकर लक्ष्मण को डराने का प्रयास करते हैं, तो उसके बाद लक्ष्मण भी उसके प्रत्युत्तर में ये बातें कहते हैं और उसके गुस्से को क्रोध को और अधिक भड़काते हैं, जानबूझकर उसको अभिमान सहित ये बातें कहते हैं। भी हसी लक्ष्मण बोले मृदुवाणी परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल स्वर में मृदु स्वर में मधुर स्वर में ये कहा अहो मुनीषु महावर्तमानी हे मुनिवर हम आपके वीर योद्धा होने के बारे में जानते हैं, हम आपके वीरता के बारे में महाभट का मतलब है महान योद्धा, हम आपके वीरता के बारे में जानते हैं। पुनी पुनी मोहि देखा उठारा मुझे बालक समझकर आप मुझे बार बार अपनी पुकार अथवा हर्षाया चुलाड़ा दिखा रहे हो और डराने का प्रयास कर रहे हो। आपके इस प्रकार बार बार पुकार दिखाने से चुलाड़ा दिखाने से ऐसा लगता है जैसे चाहे तो उड़ाऊ की पहाड़ू जैसे कि आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो, अर्थात आप हमें बालक समझ कर भूल कर रहे हो। जब आपका मेरा आमना सामना होगा तब आपको पता चलेगा कि मैं बालक नहीं वीर क्षत्रिय हूँ। यहाँ कुम्भवतिया कोई नहीं, यहाँ कुम्भवतिया के पौधा होता है बड़ा कोमल नाजुक पौधा होता है जो तर्जनी उंगली जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है इसको तर्जनी उंगली कहते हैं। जब उसको देखकर उस उंगली को किया जाता है तो वो मुरझा जाता है सूख जाता है, तो उसका उदाहरण देते हुए लक्ष्मण कहता है कि यहाँ कुंभड़ की अर्थात कमजोर कोई नहीं है जे तर्जनी देखी मरी जाएगी जे और जो कि अंगूठे के साथ वाली तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाए भयभीत हो जाए डर जाए। देखी बुखार सरासर माना मैंने अब तक जो भी कुछ कहा है आपके बुखार को देखकर ही कहा है, मैं कुछ कहा सही नहीं माना और अब तक मैंने जो कुछ आपको कहा है आपके बुखार को देखकर और जानबूझकर अभिमान सहित करों के साथ है कहा है। भरगुश समझी जनेऊ बिलोकी मैं आपको भरगुश वंश का और जनेऊ धारण करने वाला जो कि यज्ञ में पवित्र करके जनेऊ धारण करवाया जाता है उसको जनेऊ धारण करने वाला समझकर अर्थात मुनि समझकर आपको अब तक छोड़े हुए हूँ कुछ नहीं कहता, मैं कुछ कह रहा हूँ साहूरेशों की जो भी कुछ अब तक मैंने कहा है वो अपना क्रोध रोक कर कहा है, अर्थात मैंने अपना क्रोध अब तक आपको प्रकट ही नहीं किया है। अब तक मैं मुनि समझकर और जनेऊ धारण करने वाला समझकर अपना क्रोध रोक कर ये बातें कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरा क्रोध क्यों रोक रहा हूँ लक्ष्मण के अनुसार, क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर
ब्राह्मणों पर, हरिजन भगवान के भक्तों पर और गाय के ऊपर वध नहीं किया जाता, गाय के ऊपर वार नहीं किया जाता, युद्ध नहीं किया जाता। इनके साथ है हमारे कुल में देवता ब्राह्मण भगवान के भक्तों और गाय पर हमला नहीं किया जाता, इनका वध नहीं किया जाता। हमारे कुल इन पर न सुनाई, हमारे कुल में इनके ऊपर हथियार नहीं उठाए जाते, इनका वध नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बने पापों अपकृति हारे, क्योंकि इनका वध करने से पाप का भागी बनते हैं और इनसे हारने पर अपयश प्राप्त होता है। मारता हूं पाप ये तुम्हारे, अगर तुम मेरा वध भी करोगे तो मैं आपके पैरों में ही गिरूंगा, अर्थात आप मेरा वध करने के बाद भी मैं आपके पैरों में ही गिरूंगा। कोटी पुलिस वचन तुम्हारा, फिर से व्यंग्यात्मक साथ साथ उसकी व्यंग्यात्मक बढ़ाई भी करता है और फिर कहता है कि तुम्हारे कोटि का मतलब है करोड़ों, पुलिस का मतलब है कठोर, सम समान वचन वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन तो करोड़ों वचनों के समान कठोर है, तो तुम व्यर्थ में ही धर्म का मतलब है धारण कर रहे हो धनुष बाण और कुठार। तुम्हारे वचन ही करोड़ों वचनों के समान कठोर है, तो तुम तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण किए हुए हो, अर्थात तुम्हें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम व्यर्थ वचनों के समान कठोर वचनों से ही सामने वाले को मार सकते हो। जो बोले विरोधी अनुचित कहे हूं क्षमा हूं महामुनि, अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि धैर्य धारण करने वाले ऋषि वर महामुनि मुझे क्षमा करें। सुनी सरोज भर्गुवंश मुनि बोले गिरा करके, इस प्रकार लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर भर्गुवंश मुनि परशुराम क्रोध में भरकर गंभीर होकर कहते हैं, कोशिश सुनो मंद यह काल को कुटीर काल को सुनी स्थूल काल को भानु वंश राकेश काल को निपट निरंकुशु अबोध असंकु काल कहो भोले ही क्षण माही कहो पुकारी कोई मही नाही, तो मैं कहूं जो चाह हूं दोबारा कही कथा को बोलो रोसु तुम्हारा, लखन कहे मुनि राजसुजुषु तुम्हारा तुम्हें ही अचत को बनने पाला, अपने तुम्हें अपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु सपुनी कछे कह हूं जनी रिश्रोपी दुषह दुषह हूं, वीर बरके तुम्हें धीर अचोबा गारी देख न पावा हूं शोभा, सूर समर करनी करही मैं जना में ही आपू विद्यमान रूपाई रिपु कायर कहे पता। तो भर्गुवंश मुनि परशुराम जी गंभीर होकर लक्ष्मण को जब व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है उसकी बातें सुनकर गंभीर होकर ये बातें कहते हैं कि कौशिक ये विश्वामित्र के लिए जो राम और लक्ष्मण के गुरु हैं गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करवाते हैं धनु विद्या सिखाते हैं फिर का ज्ञान करवाते हैं, वो जब साथ थे उसे जनक के सभा में तो विश्वामित्र को कौशिक शब्द से कौशिक नाम से संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र कौशिक सुनो भैया है मंद बुद्धि वाला के कुटिल काल वश में कुल काल कुबुद्धि काल के वश में अपने कुल का भल के नाश करने वाला बन रहा है, अर्थात ये ऐसे व्यंग्यात्मक और क्रोध जगाने वाली बातें करके ये अपने ही काल को अर्थात अपनी मौत को बुला रहा है और अपने ही काल का अपने ही कुल का भल के विनाशक बन रहा है। भानु वंश राकेश का रूप यह सूर्य वंश रूपी राकेश के ऊपर के कलंक के समान है, भानु का मतलब है सूर्य पर वंश का मतलब वंश राकेश का मतलब चंद्रमा कलंक को मतलब कलंक के समान, यह सूर्य वंश के ऊपर चमकते राकेश में कलंक के समान है चंद्रमा में कलंक के समान है, निपट निरंकुशु अबुभू अशंभु यह बिल्कुल निपट निरंकुश अबुधु अर्थात ये अबुधि उद्दंड और
मीटर असंख्य का मतलब है मीटर, यह है कुबुद्धि निरंकुश और निडरता के साथ ये बातें कर रहा है, अर्थात ये सारे अवगुण इसके अंदर हैं, इसीलिए ये ऐसी बातें मेरे सामने कर रहा है। काल का रूप भोजन क्षणमान, यह काल के काल का रूप का मतलब है काल का त्रास, मौत के मुंह में जाना, यह काल के ग्रास बनने में कुछ ही पल का मेहमान है, अर्थात यह मृत्यु के देवता का ग्रास बनने में इसको कुछ ही पल लगेंगे, अर्थात में कुछ ही पल में अपने फरसे से इसका वध करके इसको काल का ग्रास बना दूंगा। कहो पुकारी कोई मोहि ना, अब मैं पुकार कर सबको ये बात कह देता हूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अर्थात मैं गुस्से में इसका अपने वर्षे से वध कर दूंगा, तो मैं अभी से पुकार कर सबको बता देता हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तो मैं हटता हूँ जो चाहूँ हूँ दोबारा, तो मैं हटता हूँ का मतलब है तुम ही इसको रोक सकते हो, इनको संबोधित करते हुए कहता है विश्वामित्र जी को कि तुम ही हो जो इसको इस कुटिलता से इस व्यंग्य पढ़े शब्द भावों को बोलने से रोक कर इसको फिर से जीवन दे सकते हो, उबार सकते हो, बचा सकते हो, कहीं पड़ता तुम बलू दोषु हमारा, और इसको आप अपने अनुसार मेरे प्रताप और ताकत के बारे में मेरे क्रोध के बारे में बताओ कि मैं कितना वीर प्रतापी और बलशाली पुरुष हूं। लखन कहे वो मुनि सुदुसु तुम्हारा, अब लक्ष्मण से फिर से स्वयं को रोका नहीं जाता है, जब वो परशुराम जी विश्वामित्र को ये बातें कह रहे हैं तो लक्ष्मण बीच में ही बोलते हुए कहते हैं कि हे मुनि आपके सुयश को आपके सिवा और कौन कह सकता है, तो मैं ही अचक को भरने वाला, तुमने ही अपनी इसे वीरता का बखान वीरता की बढ़ाई बहुत बार अपने मुंह से कर दी है, अर्थात बहुत बार आप अपने मुंह से ही अपनी वीरता का बखान कर चुके हो, अपने मुंह तुम अपनी करनी और अपने मुंह से ही अपनी बढ़ाई तुमने कई बार यहाँ सभा में सबके सामने कर दी है, बार अनेक बातें बहुवर्षी और ये बातें एक बार नहीं आपने बार बार यहाँ दोहराई है, नहीं संतोषु तपुनी कछु कहन, अगर फिर भी इतना करने के बाद भी इतना बताने के बाद भी आपको कुछ नहीं है तो और कुछ जो कहना चाहते हैं वो आप फिर से कह दें, जनी ऋषियों के विषय है दुख सहन, इतना ऐसा है क्रोध रोककर दुख रोककर इतना ऐसा है दुख मन रोको, अपने क्रोध को अपने ऐसा है दुख को अपने अंदर रोककर मत रखो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम वीर भक्ति और दैन्य धारण करने वाले व्यक्ति हो, गाली देखने पावन शोभा और आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं, अर्थात अच्छे नहीं लगते हैं। सूर समर कर्मी करनी कहीं न जनाह ही आप, वीर पुरुष तो युद्ध भूमि में ही युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं, फिर से वेदन पर टिप्पणी करते हैं लक्ष्मण जी की, वीर पुरुष तो युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करके शत्रु का सामना करके शत्रु के साथ लड़ाई करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं, अपनी वीरता का बखान युद्ध भूमि में करते हैं, शत्रु को सामने पाकर मुंह से बातें करके मुंह से अपनी बढ़ाई करने वाले, कथन का मतलब है मुंह से बताने वाले, शत्रु को युद्ध भूमि में सामने पाकर मुंह से अपने प्रताप का अपनी वीरता का बखान करने केवल कायर पुरुष का काम है, अर्थात कायर पुरुष ही कायर व्यक्ति ही युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते हैं, अगर वीर पुरुष है तो वो युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं, नहीं कि आपकी तरह बार बार अपने मुंह से बोल के अपनी वीरता का परिचय दूसरों को करवाते हैं, अगर आप वास्तव में भी वीर पुरुष हैं तो अभी तक आप युद्ध भूमि में हमें ललकार देते हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहते, ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी लक्ष्मण परशुराम जी के ऊपर करते हैं, तो अब आगे परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसके बदले में क्या उत्तर देंगे, ये आपको कल अपने में